मनुष्य का हृदय सुख की आशाओं से, सत्ता और संपत्ति की इच्छाओं से घिरा रहता है सदा, किंतु सामान्य रूप से मनुष्य अपने माता पिता, संतानों, भाई बहन या पत्नी के साथ उचित व्यवहार ही करता है, कोई अन्याय नहीं करता। वो सुख और संपत्ति को समान भागों में बांटकर भोगता है, क्योंकि वो ये जानता है कि उसके सुख का आधार है उसका परिवार, उसके सुख का कारण है उसका परिवार। मनुष्य ये भी जानता है कि उसका सुख समाज से आता है, किंतु वो समाज के साथ अन्याय कर लेता है, समाज का शोषण कर लेता है, क्योंकि वो समाज को अपने सुख का कारण नहीं मानता, वो समाज को अपने सुख का साधन मानता है। भेद है तो कारण और साधन में।